नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। आज हम चर्चा करेंगे मतंग की। मतंग इनके इन्होंने किसकी रचना की? बृहदेशी। ओके, मतंग ने बृहदेशी की रचना की। इनका समय क्या माना जाता है? 5वीं-6वीं शताब्दी। ओके, वाद्यों पर पर्दों का प्रयोग तथा स्वरों के संक्षिप्त नाम सारे गामा आदि इसी ग्रंथ में पाए जाते हैं। वाद्यों पर पर्दों का प्रयोग तथा संक्षिप्त नाम सारे गामा आदि इसी में पाए जाते हैं। देशी संगीत का बृहद ग्रंथ है यह। क्या है? देशी संगीत का बृहद ग्रंथ है। कुछ लोग इसका समय 5वीं से 9वीं शताब्दी तक मानते हैं। लेकिन ये नहीं है, यह खंडित रूप में प्राप्त है। इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 7 अध्याय हैं। स्वरों के संक्षिप्त नाम सारे गामा पधानी पीड़ा पर पर्दे रागों का वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। मतंग का परिचय आइए देख लेते हैं। इनके परिचय की जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, केवल इतनी जानकारी मिलती है कि बृहदेशी नामक ग्रंथ के रचयिता मतंग हैं। इस रचनाकाल के विषय में कई मत हैं, किंतु सभी मतों में इसे 4 और 7 शताब्दी के बीच का ग्रंथ माना जाता है। समय कुछ भी हो निश्चित हो, किंतु इतना तो है कि इनका जन्म भारत के बाद हुआ। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि इनका जन्म जो है भारत के बाद हुआ था। इसके भारत के बाद कब हुआ था? भारत के बाद हुआ था। बृहदेशी ग्रंथ में भरत की नाट्य शास्त्र का उल्लेख मिलता है। जो मतंग की बृहदेशी है उसमें क्या है? नाट्य शास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। किसका? नाट्य शास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में ग्राम और मूर्छना का विस्तृत परिचय मिलता है। किस चीज का? ग्राम और मूर्छना का। इसमें ग्राम और मूर्छना का क्या होता है? इसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तृत परिचय मिलता है। इस राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। क्या होता है? राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। ये सारे क्वेश्चन केजीटी में आ भी चुके हैं। स्वरों के संक्षिप्त नाम, वाद्यों पर पर्दों का प्रयोग, देशी राग, ये सभी। यह देशी संगीत का बृहद ग्रंथ है। किसका? देशी संगीत का जो है ये बृहद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ग्राम और मूर्छना का विस्तृत परिचय मिलता है। ग्राम और मूर्छना का क्या होता है? विस्तृत परिचय मिलता है। देशी राग की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि साधारण जनता में प्रचलित राग देशी है। संवाद स्वरों में भरत के समान उसमें 9 अथवा 13 श्रुतियों की ओर विवादित स्वरों में केवल 2 श्रुति का अंतर माना है। मतंग ने जाति से ग्राम रागों की उत्पत्ति मानी। कितना? ग्राम रागों की उत्पत्ति मानी है और 12 स्वरों से मूर्छना मतंग ने की है। 12 स्वरों से मूर्छना मतंग ने की है। किसे? ये आया भी था पीजीटी के क्वेश्चन में। 12 स्वरों
12 स्वरों से मूर्छना किसने की थी? मतक ने। मूर्छना किसने की थी? मतंग ने की थी, जिसका द्वादश स्वर मूर्छना कहते हैं। जिसका द्वादश, इसको द्वादश, द्वादश स्वर, द्वादश स्वर मूर्छना कहते थे। इसमें 12 स्वरों की मूर्छना के जिसको द्वादश स्वर मूर्छना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? द्वादश स्वर मूर्छना। इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। यहाँ पर हम शास्त्रकारों के जीवन का परिचय शॉर्ट में सबका एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। अवबल का जन्म क्या है? 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध दक्षिण में, 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध उनकी मृत्यु हुई थी। क्या? 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध, यानी कि ऐसे आपको हम बता दे रहे हैं। अवबल का जो जन्म है 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध दक्षिण में और 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध दक्षिण में, मृत्यु 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध उत्तरी में हुई थी। 1650 में संगीत पारिजात की रचना की, कब की थी? 1650 में, 1650 में संगीत पारिजात की स्थापना की थी। और शारंगदेव 13वीं शताब्दी, शारंगदेव की जो रचना है वो 13वीं शताब्दी की है। क्या है? संगीत रत्नाकर। क्या है? संगीत रत्नाकर। ओके, 13वीं शताब्दी की रचना है। क्या है? संगीत रत्नाकर। इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय। ओके, 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 7 अध्याय है, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ही माना जाता है। आइए हम बात करते हैं व्यंकट मखी। व्यंकट मखी चतुर्दंड प्रकाशिका, अब क्या लिखें आपको बताइए। व्यंकट मखी जो है उनकी रचना चतुर्दंड प्रकाशिका है। चतुर्दंड प्रकाशिका की का समय क्या है? 1635, 1635 10 अध्याय, 1635 और 10 अध्याय, 72 मेल, 55 रागों की पत्री, 72 मेल, 55 रागों की उत्पत्ति, 72 मेल, 55 रागों की उत्पत्ति। भरत का नाट्य शास्त्र, जो भरत का नाट्य शास्त्र है वो क्या है उसके समय? भरत का नाट्य शास्त्र 200 ईस्वी से 100 ईस्वी के मध्य, नाट्य शास्त्र क्या है? 200 ईस्वी से 100 ईस्वी के मध्य, 200 ईस्वी से 100 ईस्वी के मध्य, यानी पहली शताब्दी, मतलब पहली शताब्दी। ओके, मतंग की बृहदेशी मैंने बता ही दिया था, फिर से बता दे रही हूँ। मतंग की बृहदेशी, मतंग की, मतंग की जो बृहदेशी है वो क्या है? 5वीं से 6वीं शताब्दी,
मैं जो बोल रही हूँ आप उसको भी सुनेंगे तो भी आपको प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें ये सूख रहा है, अगर नहीं भी आपको दिख रहा है तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन सुन करके भी, बार बार सुन करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पांचवी से छठवीं शताब्दी, इसमें भी सात अध्याय हैं, सात अध्याय हैं। ओके, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी सात अध्याय हैं। ओके, इसमें भी क्या है, सात अध्याय हैं। रामा माते के स्वर में कला निधि क्या है, रामा माते की स्वर में कला निधि क्या है, 1550। इसका समय क्या है, 1550। इसमें पांच अध्याय हैं, कितने, पांच अध्याय हैं। उपोद्घात स्वर बीड़ा मेल राग, उपोद्घात स्वर बीड़ा मेल राग, उपोद्घात स्वर बीड़ा मेल राग। ओके, आइए हम इसी में बात कर लेते हैं भारतीय वाद्यों का वर्गीकरण। भारतीय वाद्यों का जो वर्गीकरण है उसमें भी बात कर लेते हैं। शास्त्रकारों ने वाद्यों को कितने भाग में बांटा है, चार, चार भाग में बांटा है, तत्वाद्य, औरद्यवाद्य, सुषिरवाद्य और घनवाद्य। तो तत्वाद्य, जिन वाद्यों में तारों तंत्रियों का प्रयोग होता है, जैसे सितार, तानपुरा, सारंगी, वायलिन, इसराज, सरोद, बैंजो, गिटार, संतूर, इकतारा, द्वितारा, वीणा इत्यादि, उसे तत्वाद्य कहते हैं। यानी जिसमें तार का प्रयोग होता है उसे तत्वाद्य, जिसमें जिस अभितत, इसी के अंतर्गत एक वितत भी आता है। तो वितत कुछ विद्वान गज से बजाते हैं, गज से बजाने वाले वाद्य को वितत वाद्य कहते हैं, जैसे कि वायलिन, सारंगी, इसराज आदि को वितत वर्ग में रख सकते हैं। अभी इसको हम एक बार ऐसे रीडिंग लगा के पढ़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। वितत जैसे कि मतलब कुछ विद्वान गज से बजाने वाले वाद्य को वितत, जैसे कि जो गज यानी कि जैसे सारंगी है ऐसे करते हैं, वायलिन है ऐसे करते हैं, इसराज जो जिसको मतलब है गज से बजाते हैं वो क्या होता है, वितत होता है। और जो तार तंत्रियों का प्रयोग किया जाता है, उंगलियों से जिसका प्रयोग करते हैं वो तत्वाद्य है। ओके, सितार, वायलिन, सितार, सारंगी, इसराज, सरोद, बैंजो, गिटार, संतूर, एकतारा, द्वितारा, ये सब तत्वाद्य हैं। और प्रायः आघात वाले वाद्यों पर गत शैली, गज वाले वाद्यों पर ख्याल शैली का वादन होता है। जैसे आघात वाले वाद्यों पर गत शैली और गज वाले वाद्यों पर ख्याल शैली। गज यानी जो ऐसे बजाए जाते हैं जैसे सारंगी वायलिन के साथ ही ख्याल गाया जाता है, तो उस पे क्या होता है, ख्याल शैली होती है। जो गत शैली होती है, आघात वाले वाद्य होते हैं, उस पे क्या होता है, गत शैली का प्रयोग होता है। औनद्यवाद्य क्या होता है, औनद्यवाद्य जो वाद्य चमड़े से मढ़े होते हैं, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, मृदंगम, भेरी, पटा, धुंधुबी, पुष्कर इत्यादि, जो मतलब जिस वाद्य में चमड़ा का प्रयोग होता है वो औनद्यवाद्य होता है। जैसे चमड़े से मढ़े हुए वाद्य तबला है, पखावज है, ढोलक है, डमरू है, नगाड़ा है, मृदंगम है, भेरी है, पटा है, धुंधुबी है, पुष्कर है इत्यादि, ये सभी क्या है, औनद्यवाद्य है। सुषिरवाद्य क्या है, जो वाद्य वायु की सहायता द्वारा बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, क्लारिनेट, हारमोनियम, बिगुल, तुरही, वीण, नागस्वरम, पियानो इत्यादि, यानी जो हवा के द्वारा बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सुषिरवाद्य। जो वाद्य वायु की सहायता द्वारा बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, क्लारिनेट, हारमोनियम, बिगुल, तुरही, वीण, नागस्वरम, पियानो इत्यादि। घनवाद्य क्या होता है,
वे वाद्य जो धातु के बने होते हैं तथा इन्हें धातु या लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है, जैसे मंजीरा, झांझ, घुंघरू, करताल, जलतरंग, नलतरंग, काष्ठतरंग, घंटा, चिमटा, झुंझुना, विजय घंटा इत्यादि। घन वाद्य, ये वाद्य धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं और इसे धातु या लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है, जैसे मंजीरा, झांझ, घुंघरू, करताल, जलतरंग, नलतरंग, काष्ठतरंग, घंटा, चिमटा, झुंझुना, विजय घंटा इत्यादि। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके। फिर से वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी फुल करते रहिए, जिससे कि जब वैकेंसीज आ जाएँ, आपके एग्ज़ाम आ जाएँ, तो आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।